नमस्कार, tulsi.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाबी आम का अचार बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे घर में आसानी से बनाया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे आम। इसे धो करके पोंछ के फिर इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों, इसे पीस के हम पाउडर बना लेंगे, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच मेथी के दाने, 2 चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम कच्चे आम में हल्दी और नमक मिला के रख देते हैं। इसमें हम आधी हल्दी मिला देंगे और 1/2 नमक मिला देंगे। आम में हमने हल्दी और नमक मिला दिया है। अब इसे हम तेज धूप में कम से कम 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे ढक के, जिससे इसका पानी निकल जाए। ये हमने जो आम धूप में सुखाया था एकदम सूख गया है, इसका पानी सूख गया है। अब इससे हम अचार बनाएंगे। सबसे पहले हम अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हम सौंफ, मेथी, जीरा और कलौंजी सबको मिला के हल्का सा भून लेते हैं, फिर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये सारे मसाले हमने भून के दरदरे पीस लिए हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा सा पीसना है। अब जो ये तेल भी गरम कर लेते हैं। ये जब एकदम गरम हो जाएगा बस हम गैस बंद कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे, तब इसे हम अचार में मिलाएंगे। ये हम पीली सरसों को भी एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे पीस के। आम को हम किसी बर्तन में डाल लेते हैं। नमक भी डाल देंगे, 1/2 नमक पहले इसमें मिला चुके हैं, बाकी का नमक हम इसमें मिला देंगे। हल्दी मिला देंगे इसमें, लाल मिर्च मिला देंगे और हींग भी मिला देंगे। ये दरदरे पिसे हुए मसाले भी इसमें हम मिला देंगे, किसी भी सरसों का पाउडर भी मिला देंगे इसमें। सब कुछ ऐसे मिला देंगे अच्छे से। मैंने तेल गरम किया था, ये एकदम ठंडा हो गया है, इसे भी अचार में मिला देते हैं अच्छे से। ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे कम से कम 4-5 दिन तक अच्छी धूप में रखना है। उसके बाद इसे हम किसी कांच के मर्तबान में भर के रख देंगे। इसे हम आराम से 1 साल तक रख के खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। बीच बीच में कभी कभी इसको धूप में रख दें। हमारा आम का अचार बनके तैयार हो गया है। इसे दाल चावल के साथ या पराठे के साथ किसी चीज के साथ भी सर्व करें, इसका स्वाद सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।